Assalamualaikum students, prove डी मॉर्गन लॉ बाई ट्रुथ टेबल। हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है किसके जरिए, ट्रुथ टेबल के जरिए। अब डी मॉर्गन का जो लॉ था वो ये था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर हो तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब ये डी मॉर्गन लॉ था, लेकिन ट्रुथ टेबल के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं पी, पी का कॉन्सेप्ट। पी हम ए को कह देंगे और यू, ये जो यूनियन है इसको हम कह देंगे और, ठीक हो गया। और बी को हम कह देंगे कुछ भी नहीं, बी को हम बी को हम क्यों कह देंगे, ठीक हो गया, क्यों। और हम कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया जी, ये नेगेशन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक हो गया। किस चीज को, नेगेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो नेगेशन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट पे नहीं होगा बल्कि इसके बाहर आ जाएगा, ये नेगेशन, ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर इस ए के, तो ए नेगेशन हो जाएगा और एंड जो है वो मतलब इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, एंड को, और नेगेशन बी हो जाएगा, नेगेशन मीन कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर भी कि अगर आपके पास नेगेशन है और पी इंटरसेक्शन क्यों है, सो यू आप यहाँ पे यूनियन जो है वो राइट हैंड साइड पे, तो यूनियन और को रिप्रेजेंट करेगा और ए और निगेशन बी, ठीक हो गया। अब ये चीज आ गई आपके पास। अब जस्ट ट्रुथ टेबल बनाना, अब दो वेरिएबल्स है पी और क्यू, अब पी और क्यू दो वेरिएबल्स है, सो हम 2 की पावर 2 लेंगे तो 4। अब ये ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट करेगा 4 को, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहली चीज की यहाँ पे आ जाएगा पी, ठीक हो गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक हो गया। एंड ये हो जाएगा इस तरह के, पहले दो यहाँ पे हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, ट्रू एंड हाफ फॉल्स, ठीक हो गया। यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है, मतलब ये कम होता जाएगा। ये पी और क्यू हमें जरूरत किस किस चीज की, यहाँ पे ए और बी मैंने सॉरी लिख दिया, पी और क्यू आएगा, ठीक हो गया, पी और क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसी वो भी सॉल्व करेंगे, ये भी कर लेंगे, ठीक हो गया, सही है, ये चीज आ गई। अब P और Q चलता जाएगा। अब हमारे पास निगेशन P की जरूरत है, जो जो चीजें जरूरत है, और इसी तरह निगेशन Q जरूरत है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर हमें जरूरत है निगेशन P और Q की, फिर हमें जरूरत है निगेशन P और Q की। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक हो गया। और फिर हमें जरूरत है निगेशन P एंड निगेशन Q। अब हमने ये करना है प्रूफ, ठीक हो गया, अब हमने करना है ये प्रूफ। अब करते हैं, सबसे पहले नेगेशन जो है ये उसके ऑपोजिट होगा। नेगेशन पी अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेगेशन क्यू भी ऑपोजिट है, नेगेशन एफ ट्रू, एफ ट्रू, ठीक हो गया। इसी तरह पी और क्यू, और जो है इसमें ये होगा और, इसको कहा जाता है और, इसको और कहा जाता है, ठीक हो गया, या यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख दो, इसको कहा जाता है और, किस तरह और, और अब देखो ये वी बना रहा है ना, आप इस चीज को याद रखना कि ये और है, और इसको कहा जाता है एंड। अब आपने ये रखना है कि ए इससे एंड रिप्रेजेंट हो रहा है। अब और के अंदर क्या है, देखो या, और इसमें इसमें भी कुछ आता है जो उर्दू में मैंने जो लगाया था रखा। अब या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई एक भी ट्रू हो गया, कोई एक, तो वो ट्रू हो जाएगा। इसमें दोनों का होना जरूरी है, इसमें दोनों का होना जरूरी है। अब ये और है, इसमें हम देखेंगे पी और क्यू के दोनों ट्रू हैं तो ठीक है, दोनों एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई, अच्छा। अब हम आते हैं जी निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू, निगेशन इट्स मीन की चेंज, ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया का आंसर। अब राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड पे हम इन दोनों का आपस में एंड लेंगे, एंड एंड मतलब दोनों का ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ये ट्रू, और सॉरी यहां पर भी हमारे पास पी एंड क्यू में फॉल्स की जगह ट्रू आएगा ना, क्योंकि ये देखो ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, ठीक हो गया। सो हम यहां पे लिखेंगे कि हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब माइक ऑन, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, पी
ठीक हो गया, क्यों चार खाने बनाने, दो तीन और चार, ठीक हो गया। और हमें चाहिए जी निगेशन पी, निगेशन क्यू, ठीक हो गया, निगेशन पी निगेशन क्यू और पी एंड क्यू, ठीक हो गया, निगेशन पी एंड क्यू, ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और क्यू और निगेशन क्यू, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है, ओके। सो पहला आ जाएगा जी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पहला तो ये याद रखना है, क्यू हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेगेशन पी एफ एफ ट्रू ट्रू, नेगेशन उसका ऑपोजिट, नेगेशन क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा पी एंड क्यू, पी एंड क्यू दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ये ट्रू है, ओके ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक फॉल्स है, इनमें भी एक फॉल्स आ गया और ये तो दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक हो गया। अब हमने ये एंड पी और क्यू का निकाल लिया, अब हमें निगेशन पी एंड क्यू इसके ऊपर बस निगेशन लगा देनी, एफ ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब हमें निगेशन पी और निगेशन क्यू के ऊपर और चाहिए, क्या चाहिए, और इन दोनों का, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो हम कहेंगे चलो जी हो गया, लेकिन पहला ही फॉल्स है, इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में से भी एक ट्रू है तो ट्रू, और ये नीचे वाला दोनों ट्रू है तो ट्रू, इट्स मीन कि हमारे पास अगर आप ये आंसर देखें और ये आंसर देखें तो ट्रू, सो हम लिख लेंगे कि हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो ये चीज आ गई हमारे पास, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, नहीं है तो फिर भी कर दें, शुक्रिया अल्लाह।